महिला एवं बाल विकास विभाग से विभिन्न योजनाएं से मॉडल पेपर फोर देखने वाले हैं आज की क्लास। तीनों क्लास हमने देखा है, तीनों क्लास डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आज की जो क्लास रहेगी मॉडल पेपर फोर रहेगा, महिला पर्यवेक्षक में बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। प्रैक्टिस सेट करना है तो जल्दी से आ जाइएगा क्लास में। पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की RDA क्या है, तो 12 मिलीग्राम दिन में। ठीक है, हाँ मैं पहली बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तीनों ही क्लास हमने देखा है महिला एवं बाल विकास के विभिन्न योजनाओं में से एक यह वीडियो है आपका मॉडल पेपर फोर, जिसमें आंगनबाड़ी से प्रश्न देखने को मिलेगा। जितने भी अभी जो प्रश्न कराऊंगा सभी आंगनबाड़ी से, स्वास्थ्य विभाग से, है ना, पोषक तत्व से, विभिन्न योजनाएं से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो सेकेंड का है, इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन है, तो मैं आप सभी को पहले ही बताया था कि पोषक तत्वों से विभिन्न सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसी प्रकार सभी मिक्सिंग क्वेश्चन है, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मॉडल पेपर फोर में बता रहा हूँ ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि लेटेस्ट अपडेट वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसका आंसर होगा लेप्टिन। लेप्टिन जो है ना हमारे शरीर में भूख को उद्दीप्त करता है। उद्दीप्त का मतलब होता है जैसे भूख का लगना। क्या कौन सा हार्मोन हमारा, लेप्टिन है। ठीक है, चलिए तीसरा का प्रश्न है, 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में मेमर परिभाषित किया गया है, आपका किलो कैलोरी। आंसर होगा आंसर ए, है ना। प्रैक्टिस सेट करते जाइएगा, है ना, मतलब जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ डेली, मैं लगातार करा रहा हूँ आप सभी के लिए, डेली क्वेश्चन करते रहिएगा, एक ना एक सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए देखते हैं, आहार में शामिल करने रक्ताल्प एनीमिया की रोकथाम की जाती है, तो आप सभी को मालूम होगा जो एनीमिया है आपका आयरन से संबंधित है और विटामिन सी से रोकथाम की जा सकती है। कौन से आहार से, विटामिन सी से। श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता और समन्वय की जो कमी है आमतौर पर देखने को मिलती है, कौन से है, बुजुर्ग और वृद्ध आयु वाले को, है ना, याद रखना। जो श्रवण शक्ति का मतलब है जो सुनने में कमी होती है, जैसे कि आप, जैसे कोई व्यक्ति है पास में बैठा है ना, कोई व्यक्ति पास में बैठा है उसको आप बोल रहे हो कि अंकल जी सुनो ना, अंकल जी ये काम है वो, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता। मतलब इस कारण सुनाई नहीं देता क्योंकि वो वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है धीरे धीरे जो अवस्था आती है ना हमारी, उसमें जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। एक समाधि में आधारित चपाचय, है नी, चपापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा होती है, उसको क्या कहते हैं, आधारित चपाचय कहते हैं। आधारित चयापच दर यानी कि बेसल मेटाबॉलिज रेट कहते हैं। ठीक है, आंसर ए होगा। क्या बात है राकेश, क्लास में टाइमिंग नहीं पूछते ना, मैं डेली क्लास करा रहा हूँ, आपको टाइमिंग मालूम होगा, फिर भी डेली क्लास बातें नहीं कीजिएगा ना, मैं ब्लॉक करूँगा फिर आपको, फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी फिर। हाँ, मेंबरशिप में जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्लास स्टार्ट रहने दो, गुड। हाइपोरे एल्बुनियम, हाइयोकैल्मिनियम और फैटी लीवर अधिकांशतः रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलता है, तो कौन सा है, क्वासोर स्कोर में। ठीक है, क्या आंसर है, चलिए बताइएगा। 8वां का क्वेश्चन, काली खांसी मुख्यतः द्वारा फैलती, जो काली खांसी होती है ना आपका, बिंदुक संक्रमक एवं सीधे संपर्क से। ठीक है, रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है, ऐसा कौन सा वायरस है जो अधिकांशतः है, तो आपका उल्टियां, दस्त, उदर में दर्द, यानी कि उदर का मतलब होता है पेट में दर्द। ठीक है, देखिए इसका संक्रमण इनमें से कौन सी स्थिति के कारण बनता है, रोटा जो वायरस होता है ना अधिकांश, मतलब उल्टियाँ होती है, दस्त होती है, दस्त उल्टियाँ, ये सब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, कल की क्लास में हमने देखा था ना मायोपिया से, आज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया एक दृष्टि दोष है, किसमें, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती है, मतलब जो दूर की वस्तु होती है ना अस्पष्ट दिखती है। ठीक है, ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिला की कैलोरी आवश्यकता क्या होगी, तो 520 कैलोरी प्रतिदिन, है ना। यहाँ लाइट बार बार बंद हो रहा है तो जल्दी जल्दी क्लास करेंगे। ठीक है,
दो तीन बार यहाँ लाइट बंद हो चुका है, मौसम भी ख़राब है, तो हम डेली क्लास करा रहे हैं ना, तो हमारे मेहनत को ज़ाया ना कीजिएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम इतने मेहनत से आप सभी को क्लास ले रहे हैं, तो वीडियो में लाइक आता है ना तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम क्लास ले पा रहे हैं, तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो ये ठीक है बात है, लेकिन वीडियो में अच्छी खासी लाइक आएगी तो हमको भी थोड़ा खुशी मिलेगा कि मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद लाइक वीडियो में लाइक नहीं आता ना तो मज़ा नहीं आता, मूड ख़राब हो जाता है। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है, तो 350 कैलोरी, ठीक है। मलेरिया के आम लक्षण क्या होते हैं, मलेरिया के आम लक्षण क्या होते हैं, तीव्र कंपनी या तेज बुखार, जैसे कि मलेरिया रहती है ना तो थोड़ा थोड़ा एकदम कंपनी टाइप का तेज बुखार रहता है, अत्यधिक पसीना आता है, सिर दर्द रहता है, या कई बार उपकय उल्टी है जैसे रक्ताल्प होता है, ये सभी इसका आंसर होगा, है नहीं तो मलेरिया कभी भी लक्षण देखिए। अब बीमारी से संबंधित मैं कल के क्लासेस में कराया है, वो भी आपने नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और पार्ट उसका आने वाला था, वो हम कल लाएंगे, मलेरिया मतलब बीमारी वगैरह से उसमें जो वायरस वगैरह से है ना, वो कल के टॉपिक में छूट गया था, उसको हम कल कंप्लीट करा देंगे। फिर देखिए, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोनों को उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा होगा, गर्भनाल, उसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए करा रहा हूँ यह क्लास क्योंकि जो महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लास है। रिकेट्स आएगा, कैसे आएगा, विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स, है ना, कैल्शियम और फास्फोरस देने से रोकथाम होती है, ठीक। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के इस स्रोत से बचना चाहिए, किससे, एल्कोहल से, एल्कोहल का मतलब होता है क्या, शराब, शराबी टाइप, ठीक है। निमोनिया के उपचार में हर क्या लक्षण है, लक्ष्य है निमोनिया जो होता है ना, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, शरीर का भार कायम रखना, निर्जलीकरण से बचना, ये आपका होता है निमोनिया के आहार से बचाव। गर्भावस्था में प्रेरित उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं, सीने में जलन, है ना, बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को मालूम होगा। आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति तथा आकलन करने के लिए एल्बुमिन के स्तर को संकेत में प्रयोग करते हैं, उसे PEM कहते हैं, क्या कहते हैं एक बार बताइएगा, PEM। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित है, तो अस्थि मृदुता है ना, ऑस्ट्रेलियों के द्वारा होता है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर करा रहा हूँ। देखिए अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी क्लास ले रहा हूँ ना, तो एक बार वीडियो में याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर वीडियो को दोबारा आप लोग फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा। मांस मछली और मुर्गी के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो उससे क्या मिलता है आपको, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मांस हो गया है, मछली हो गया, मुर्गी अंडा वगैरह सब, उससे प्रोटीन मिलता है। विटामिन सी किसमें मिलता है, खट्टे पदार्थ से, खट्टे जैसे आप, खट्टे मतलब बहुत सारे हो गए, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, यह आपका आम बात है, इससे सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा गया था, ऑनलाइन में थोड़ा देख लीजिएगा ये वाला, कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है, तो आप बताएंगे 1098, याद रखना, एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, है ना, एक मिनट ना फिर से देखिए इसको अच्छे से रट लीजिएगा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ महिला हेल्पलाइन नंबर आपका 181, है ना। बाल मजदूरी करना वो कराना, भीख मांगना अपराध की श्रेणी में आते हैं, और बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1929 से 28 सितंबर के आसपास हुआ था, ठीक है। ये जितने भी है ये सभी इसको ना आप लोग थोड़ा रट लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। हाँ भाई चलिए क्लास की तरफ ध्यान दीजिएगा। 1 ग्राम प्रोटीन में मिलती है 4 कैलोरी, जब 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी मिल रही है, 4 कैलोरी, है ना, एक मिनट ना, 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी मिल रही है, तो आप बताइएगा 5 ग्राम कैलोरी में कितनी कैलोरी मिलेगी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ बहुत ही मौसम ख़राब हो चुका है, बहुत ही बिजली बारिश हो रही है, तो जल्दी जल्दी क्लास लेते हैं, वाईफाई भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। गर्भावस्था कालीन मधुमेह में देखने को मिलता है, तो गर्भ स्त्रियों को, ठीक है। चलिए मैं फटाफट क्लास करा रहा हूँ ना, क्योंकि हम बहुत ही गरज बरस हो रही है और वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए खेद है मुझे, है ना, तो मेहनत को जाया ना करते हुए आप लोग जल्दी जल्दी क्लास करते रहिएगा, ठीक है।
प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध सम स्त्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है क्या कहलाता है, प्यूस यानी कि कोलोस्ट्राम। ठीक है, कुपोषण के एक प्रकार PEM का पूरा नाम क्या होता है, ये आपको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है। ठीक है, चेचक चिकन पॉक्स नामक विषाणु से होता है, तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी टाइप भी आंसर होगा इसका। और ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने की जो योजना है कौन से आयु वर्ष है, तो 10 से 19 वर्ष। ठीक है, याद रखना। और रधौती या निक्टेलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के कारण आरंभिक होता है, तो विटामिन ए के कारण। जीरो स्टोमिया यानी कि लार नहीं बनना, इसमें कौन सा है, बुजुर्ग या वृद्ध आयु वाला। ठीक है, उल्टियाँ होने के दौरान कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए, तो उपयुक्त सभी कौन कौन सा, दूध से उत्पादक जितने भी बनते हैं, दूध दही मक्खन वगैरह है ना, ये आपका उल्टियाँ के होने के बाद इसको नहीं खाना चाहिए। एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, कार्बनीय पेय पदार्थ नहीं लेने चाहिए, मतलब ऐसा चीज़ जो दूध से बना हो है ना, और एल्कोहल वगैरह नहीं लेना है उल्टियों के बाद। ठीक है, संपूरक आहार दूध छोड़ाने की शुरुआत की जानी चाहिए 6 माह, याद रखना 6 माह। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम योजना किसे आरंभ किया गया था, 1976। और आप सभी लोग बताइएगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम, हम अधिनियम से भी क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये 1930 है मुझे मालूम है, लेकिन कौन सा, 1 अप्रैल 1930 है कि 1 मार्च 1930 है, आप लोग कमेंट करके बताएं, है ना। तो हम जितने भी अभी अधिनियम वगैरह से क्वेश्चन भी लाएंगे, है ना, एक दो दिन में देखने को मिल जाएगा आपको। मुख के कोनों पर सोत और दरार यानी कि क्रैकिंग अवस्थाओं के कहते हैं ओस्टर विदता यानी कि चेलोसिस कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के माध्यम से की जाती है, तो इसका आंसर होगा BCG के टीके से, शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार से। ठीक है, शुद्ध रूप से शाकाहारी खान पान व्यक्तियों के विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद परिसंचरण स्तर जो आमतौर पर कम होती है विटामिन B12 में। मेरा ऊर्जा बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है, 2-2 क्लास लेना पड़ रहा है आज, तो मेरा मेहनत को जाया ना करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत से हम क्लास कराते हैं ना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो किशोरों द्वारा। चलिए, जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड के कम से भार को परिभाषित किया गया है, 5.5 पाउंड। किशोरों के लिए आयरन एवं फोलिक अम्ल के टेबलेट किस रंग में होते हैं, तो आयरन आप सभी को मालूम होगा नीला गोली रहता है, है ना। DPT वैक्सीन वाला आप सभी को मालूम होगा, डिप्थीरिया टेटनस परट्यूटिस, है ना। तो बीमारी से संबंधित कल हमने क्लास कराई है, वीडियो नहीं देखा जाइए कर लीजिएगा, है ना। यहाँ तक PDF मेरा ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट PDF में आपको चलिए ऐड करता हूँ, है ना। तो फोलेट के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन असत्य है, तो फोलेट की कमी से गर्भस्थलीन का मधुमेह हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ, पहला पेपर का PDF ख़त्म हो चुका था ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें का। अच्छा, इस प्रकार का क्वेश्चन था, गर्भावस्था में जिंक की कमी के कारण बनती है, तो जिंक की कमी के कारण क्या बनती है, जन्म के समय कम भार और DNA और RNA का संश्लेषण क्षीणता यानी कि उपरोक्त दोनों, पहला और बी दोनों आएगा। इनमें से कौन सा समूह अस्थि सुशीलता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति अधिक असुरक्षित है, यानी कि रजोनिवृत्त स्त्रियां। ठीक है, स्थानिक एंडेमिक रोग का अर्थ क्या है, तो इसका है विशेष क्षेत्र की समस्या। प्रतिरक्षीकरण एक महत्वपूर्ण क्या है, तो जन्म स्वास्थ्य हस्तक्षेप स्वास्थ्य निवेश असक्षता का रोकथाम। ठीक है, ये आएगा आंसर। दस्त का आम कारण क्या है, तो दस्त का आम कारण जीवाणु विषाणु एवं परजीवी संक्रमण। ठीक है, और एंटीबायोटिक जैसी औषधियाँ। लैक्टोज असहता, ये उपयुक्त दस्त का आम कारण क्या हो सकता है, तो जीवाणु विषाणु परजीवी के संक्रमण के कारण या फिर एंटीबायोटिक जैसी औषधियों के कारण। ठीक है, बहुत ज़्यादा मगर एंटीबायोटिक गोली खा लेते हो ना,
तो मतलब गोली का मतलब टेबलेट है जो उसी के कारण भी बन सकता है। एक भोजन संबंधी विकार किसके अभिलक्षण से शरीर के लिए होता है? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। इनमें से कौन एक डाइसेकेराइड नहीं है? तो ग्लैक्टोज एक डाइसेकेराइड नहीं है, जबकि सुक्रोज लैक्टोज ये सभी डाइसेकेराइड है ना। इसका आंसर सी होगा। माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है, तो इसका आंसर होगा कम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाला आहार, उपवास रखना, धूम्रपान करना। ठीक है, ये आंसर आएगा डी। टोटल हमने 50 MCQ कर लिया है मॉडल पेपर 4 का, है ना। ऐसे और भी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं या फिर हॉस्टल वाले की तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल की क्लास में हम देखेंगे बीमारी वगैरह से क्वेश्चन तो लाए थे।